जब भक्त भक्ति में बैठता है तब भी कहता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस मैं तो हूँ ही नहीं। तो कहते हैं या तो आखिरी ठोकर लगे तब समझ में आए अच्छा यही है, बिना ठोकर खाए ही याद कर लें मैं नहीं हूँ, बस तू ही सब कुछ है। जब परमात्मा इस तरह से याद आने लग जाता है तो व्यक्ति का ध्यान इस बात पर टिक जाता है कि मेरा आखिरी मुकाम, आखिरी लक्ष्य, आखिरी पड़ाव केवल परमात्मा है। क्योंकि हम वहीं से तो आए, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, सब एक स्थान से आए, एक ही देश है अपना, परमात्मा का देश। गाते हैं ना, रहना नहीं देश बिराना है। जिस देश में रह रहे हैं, मतलब जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ रहना नहीं, रहना नहीं देश बिराना है, क्योंकि अपना असल ठिकाना वो तो परमात्मा का धाम है। तो आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, ये हवा लगी संसार की, हो गए बाराबाट। दुनिया ने ऐसी हवा लगाई कहीं के भी नहीं रहे, दुनिया को धोखा दे रहे थे, खुद को ही धोखा दे रहे थे। एक ही दायरे में गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो गई, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। बचपन में चलना सीखा था, जब चलना आया तो कितना दौड़ दौड़ के चलते थे, और जब चलते चलते जिंदगी में बहुत सारा वक्त व्यतीत हो गया, उसके बाद किसी बूढ़े को चलते हुए आप देखिए, इतना आराम आराम से पांव रखता है। कोई कहे इतनी तो प्रैक्टिस कर ली तुम्हें चलने की, अब बोले अब ऊपर वाले ने कह दिया है कि जितनी मैंने चाबी भरी थी अब बैटरी खत्म हो रही है, धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो शरीर जिसको पालने में सजाने में बहुत ताकत लगाई थी, जब श्रृंगार किया था परमात्मा ने तो बहुत सुंदर लगता था, जब हम श्रृंगार करने लगे और ऊपर वाला बिगाड़ने लगा। हम रोज रोज श्रृंगार करके सजाते हैं, ऊपर वाला रोज एक ब्रश लगा के और थोड़ा सा डल कर देता है, धीरे धीरे डल करता जाता है। रोज क्रीम पाउडर लगा के सजा के आते हैं और सवेरे उठते हैं तो देखते हैं रात रात में आके कुछ कुची फेर गया ऊपर से, क्यों ऐसा करता है, इतने अच्छे तो लगते थे। तो वो कहता था कि मैं ही रंग बनाता हूँ और मैं ही बेरंग भी करता हूँ, ये उसकी लीला है, न जाने क्या क्या रंग ढंग दिखाता है। और आखिर में तो ऐसा अजीब अजीब चेहरा हो जाता है, खुद भी नहीं पहचान पाता आदमी, ये मैं ही हूँ क्या। भगवान उस समय कहते हैं कि तुम बाहरी रूप को नहीं सजाओ, अब अंदर को सजाओ, अपने अंतकरण को सजाओ, अंदर खूबसूरत बनाओ। बाहर खूबसूरत बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, एक बीमारी से ही सब गड़बड़ हो जाता है। दो चार दिन के लिए पेट गड़बड़ कर जाए, उसी के बाद में आदमी जो है वो जैसे वो खंभे के ऊपर डेंजर वाली तस्वीर लगी होती ना, ऐसी हालत हो जाती। तो शरीर जिस पर अकड़ा जाए कुछ भी नहीं, और ये धन दौलत आई हाथ में जाने में देर नहीं लगाती, ये पद प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो समाज पर टिकती है। समाज जब आपको प्रतिष्ठित मानता है तो आप बहुत ऊंचे हैं, कोई उल्टा सीधा बोलकर आपकी प्रतिष्ठा हिला दे, लोग समझते हैं लगता है ऐसा ही होगा, एक सेकंड में ऊपर एक सेकंड में नीचे, और बड़े बड़े पदों वाली बात तो आप क्या करिए। आपने देखा ना हिंदुस्तान में कौन कौन लोग कैसे कैसे शासन करते रहे, कब कौन हटो बच्चों की आवाज़ आती थी कि साहब पधार रहे हैं, अब उसके बाद साहब को कोई प्रणाम करने भी नहीं जाता, अब दूसरे लोग लाइन में हैं। तो यही चक्र भगवान का चलता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है, किस तरह से वो ये सब खेल खेलता है, उसे ये खेल खेलने में मजा बहुत आता है, आनंद लेता है वो। और कभी कभी तो ये देखने में आता है कि जैसे हम लोग बचपन में एक भजन सुना करते थे, जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, एक भजन सुना करते थे हम लोग, मायापुर का मेला है, जादूगर की बजी बांसुरी,
तो वो भजन सुनाया जाता था, उस भजन में ये कहा जाता था कि मायापुर का मेला था जिसमें एक जादूगर आया, उसने बांसुरी बजाई और उसके बाद उसने मिट्टी का एक पुतला उठाया और उसमें पानी वानी डालने के बाद फिर दूसरा पुतला बनाया और उसके बाद दोनों में फूंक मारी, उसके बाद देखता है कि वो दोनों पुतले नाचने लग गए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके गोल गोल घूमते हैं, हंसते बोलते हैं। फिर उन्होंने मिट्टी इकट्ठी की, घर बनाया, मकान बनाया, जमीन जायदाद इकट्ठी की, बाग बगीचे लगाए, उसके बाद देखा और लोगों ने भी बस्ती बना ली है तो बहुत सारे आ गए, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद जादूगर डमरू बजा बजा के कहता है ये देखो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं और मिट्टी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी ओढ़ रहे हैं, मिट्टी बिछा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ तो यहीं से पैदा होती है। आप देखते हैं ना कि मिट्टी से ही कपास पैदा हुई, वही तो पहनते हैं हम लोग, और मिट्टी से गन्ना आया तो वही तो शरबत में चीनी घोल घोल करके जो आप चाय पीते हैं, दूध में डालते हैं, तो वही तो मिट्टी से ही तो आया। और जो आपका अनाज आया वो भी तो मिट्टी से ही आया, तो रोटी मिट्टी की, दाल मिट्टी की, सब्जी मिट्टी की, और मकान मिट्टी का, और तन मिट्टी का, मिट्टी का बिछौना, मिट्टी का ओढ़ना, मिट्टी का पहनना, मिट्टी का खाना, और जो ये तिजोरी बनती है तो ये जमीन से ही तो लोहा निकलता है, और जो नोट हैं तो वो भी तो पेड़ों से आएगा, कागज बनेगा, तो वो पेड़ कहाँ से आते हैं, वो भी मिट्टी से आते हैं, तो मिट्टी की तिजोरी, मिट्टी में मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी को जेब में रखकर मिट्टी गिन गिन के अकड़ता है आदमी और एक दूसरे को कहता है तेरे से मेरे पास मिट्टी ज़्यादा है, तमाशा करता है जादूगर डमरू बजा बजा के कहता है देखो मिट्टी के चोले, देखो मिट्टी के खिलौने, देखो मिट्टी का तमाशा, और उसके बाद फिर एक फूंक मारता है, सारे के सारे खिलौने टूट कर बिखर जाते हैं, और उसके बाद वो कहता है साहिबान खेल खत्म, पैसा हजम, तमाशा खत्म हो गया। बस ऐसा तमाशा जिंदगी के साथ चलता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम लोग सभी बच्चे जमूरे बने हुए हैं, ऊपर वाला डमरू बजा बजा के हमें नचा रहा है, और इसी मिट्टी से पैदा होते हैं, इसी में मिट्टी में मिल जाते हैं, इसी मिट्टी का तमाशा करते हैं, लेकिन अखड़ इतनी बड़ी है कि बस ऐसा लगता है बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। जिस दिन इंसान को ये याद आ जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है बस वही वो है, उस दिन उसे अपने ईश्वर की कृपा अनुभव होने लग जाती है। तो यहीं से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से आता है ज्ञान। ज्ञान मतलब विवेक, सद्ज्ञान। सद्ज्ञान जैसे आने लग जाता है तो उसी समय भगवान हमें सही दिशा देता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो भगवान अनेक तरह के पदार्थों का ज्ञान हमें कराता, तत्वों का ज्ञान कराता, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराता है, तो वो हो गया जगत गुरु। तो ऐसे जगत गुरु परमेश्वर को हम बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं मोह माया के पर्दे हटाकर हमें वास्तविकता दिखाना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम्, चमकीले पदार्थों से ये सत्य को तुमने ढक दिया है, सुनहरी पात्र, सुनहरा आवरण, बहुत चमकीला आवरण। प्रत्येक व्यक्ति के घर के आगे सुनहरा पर्दा लगा हुआ, सब लोग बड़े खुश नजर आते हैं, खुशहाल नजर आते हैं, समृद्ध नजर आते हैं। पर्दा खींच करके कोई देख ले अंदर गड़बड़ नजर आती है। बड़ा बड़ा सेठ, नींद नहीं आती रात भर, करवट बदल बदल कर रात बिताता है, कमाल के एसी लगा रखे हैं, दो दो एसी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर अशांति है, क्योंकि अंदर एसी परमात्मा लगाता है, अंदर दिल में दिमाग में। जब अंदर परमात्मा का एसी काम करता है तो फिर बाहर पत्थरों में धूप में भी सो जाना, नींद आ जाएगी, लेकिन जब अंदर का एसी काम नहीं करेगा तो बाहर के दो दो एसी लगा लेना, नींद नहीं आएगी। तो क्या समझ में आता है, बाहर पर्दे से देखने से लगता है सेठ बड़ा खुशहाल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता है, घूमता है, और जब देखते हैं बेटे बेटियां आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कर्जा बहुत सारा है, देनदारी बहुत सारी है, डॉक्टर आकर टाइम टाइम पर चेकअप करता है, पहले कहता था 3-3 महीने के बाद ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट वगैरह
जरूर कर लिया करें। अब तो कहता है आपको महीने महीने की बात नहीं, जब भी जरूरत पड़े एक बार चेक जरूर कराओ, क्योंकि अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गया। पर्दा बाहर देखने से लगता है आदमी बड़ा सुखद जीवन जी रहा है। मजे की बात तो यह है कि सोने चांदी की कुर्सियां, बर्तन, टेबल सब हैं घर में। बर्तन भी सोने चांदी के हैं, लेकिन खाना तो सोने चांदी का नहीं होता है। खाना, भोजन, वो तो आप और गरीब सबका एक जैसा ही होता है। बल्कि गरीब तो फिर भी अपने पराठे में अच्छा सा मक्खन रखकर, चटनी और छाछ साथ में रखकर अच्छे से पराठे खींचता है। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पूरे जीवन में जहाँ जहाँ भी, जिस जिस रूप में भी आप देखते चले जाएंगे, ये जीवन बहुत बहुत विचित्रताओं से भरा हुआ है और बड़े बड़े उतार चढ़ावों के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन सारी चीज़ों के ऊपर एक चीज़ देखने को मिलती है कि बाहर चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, गरीब फिर भी जम के भोजन कर लेगा, अमीर के पास तो सोने चांदी की प्लेट रहेगी, बर्तन रहेंगे, लेकिन भोजन तो जो वो करने बैठेगा, मूंग की दाल का पानी। और एक खास तरह के आजकल तो भोजन के भी एक एक छोटे छोटे टुकड़े उसको उसमें भिगो भिगो के और थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उसके बाद भी लिख रहे होते हैं इसमें कितनी कैलोरी होती है। मैंने कहा अभी तक तो कोई पता नहीं लगता था, चार चार पराठे खा गए, कैलोरी का कुछ पता नहीं, सारी कैलोरी अंदर काम करती थी, अब कैलोरी का पता करना पड़ता है। बहुत हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, जब उसकी मेहर होती है तो आदमी झोंपड़ी में रहे तो भी महलों से कहीं अधिक आनंदित हो जाता है, और जब उसकी कृपा नहीं होती तो महल में भी बैठकर आदमी रोता रहता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ पहले महत्वपूर्ण मान लीजिए कि आपके जीवन में समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता आनंद है, लक्ष्यों के पीछे का लक्ष्य आनंद है। आप अपनी मस्ती में, अपने फक्कड़पन में रहना जरूर सीख लिया करें। ये जब तक आपके साथ रहता है तब तक आपसे बढ़कर अमीर कोई नहीं होगा, और ये फक्कड़पन खत्म हो गया, ये मस्ती खत्म हो गई, बस समझ लेना गरीबी शुरू हो गई है। तो जब तक चले तब तक, जब तक निभे तब तक, जैसे कैसे भी सही अपनी मस्ती, अपना आनंद, अपनी मुस्कान, अपना अल्हड़पन बनाए रखिए, इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। बस ये पहले जरूर समझ लेना। तो जगत गुरुवे नमः, भगवान को जगत गुरु कहकर प्रणाम किया गया, और उसके बाद आगे हाथ जोड़कर हम भगवान को कहते हैं मृणाय नमः, सुख देने वाले परमात्मा तुझे प्रणाम करते हैं। इस पूरी दुनिया में हर कोई आदमी थोड़ी देर के लिए सुख और आराम दे देगा, लेकिन कितना भी किसी को कंधों पर बैठा कर खिलाया हो, दुनिया दिखाई हो, रुलाता तो वो भी है, अपने भी पराए भी रुलाने का काम जरूर करते हैं। जिनके लिए बहुत मीठे शब्द कहे वो कड़वे शब्द बोलते हैं आपके लिए, जिनको आपने मिठाई खिलाई वो आपको कड़वाहट पिलाते हैं, जिनको आराम से सुलाया था वो ऐसी हालत कर देते हैं ना सोने लायक रहते हो ना जागने लायक रहते हो। यही संसार के नियम है, संसार का उतार चढ़ाव यही है, ये रिश्तों की कहानी है। इस रिश्तों की कहानी में बस एक ही बात याद रखना, हर कोई सुख देता दिखाई जरूर देता है, लेकिन सुख नहीं, सुख की प्रतिछाया देता है। असली सुख देने वाला तो दुनिया में एक ही रिश्ता है, वो परमात्मा का रिश्ता है, उसकी शरण में आने से सुख मिलता है। इसलिए लोग कह रहे होते हैं क्या रिश्ता है तेरा मेरा भगवान, जब भी दुख पड़ता है याद तेरी आती है, बाकी दुनिया में किसी की याद नहीं आती, क्योंकि और कोई भी दुख में काम नहीं आएगा, आखिर में बेसहारों का सहारा तू ही है, तेरा ही ध्यान आता है और तू ही चैन देता है, ये सत्य है। इसलिए उस सुख स्वरूप परमेश्वर का जितना जितना आप नाम जाप करेंगे उतना उतना सुख आएगा। तो भगवान सुखदाता है, इसलिए उनको कहा मृणाय नमः, सुखदाता परमेश्वर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। निवेदन ये भी है कि सुख की फसल बोने की चेष्टा हमें भी करनी चाहिए।
जितना हम इस धरती के नाम सुख दे सकते हैं देने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ नहीं तो बाग बगीचे लगवा दीजिए, प्याऊ बनवा दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए, और सबसे बड़ी बात तो ये अन्य क्षेत्र चलाते हैं ना, ये अच्छा कार्य है, लेकिन उससे भी बढ़िया काम क्या हो सकता है। उससे बढ़िया काम ये हो सकता है, किसी को अन्न दोगे एक समय का पेट भर जाएगा, लेकिन किसी को अन्न कमाना, रोजी रोटी कमाना सिखा दोगे, जिंदगी भर के लिए आपने उसका पेट भर दिया। क्योंकि हम भगवान की पूजा करने में इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि खुदा की इबादत है ये, कि खुदा सा हो जाऊं, उस जैसा ना भी बन पाऊं तो उसकी कृपा छाया का कुछ अंश तो हमारे जीवन में आ जाए। अलौकिक शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है ऋषि मुनियों की तपोभूमि ऋषिकेश। इस देव भूमि में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ध्यान साधना शिविर का आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने जा रहा है। ध्यान साधना की विशेष विधियों को सीखने का, पवित्र गंगा स्नान का, गंगा पूजन का ये महान अवसर होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। युग ऋषि परम पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ज्ञान भक्ति सागर सत्संग कार्यक्रम दिनांक 4 दिसंबर 2015 साय 5 से 7 बजे तक, दिनांक 5 दिसंबर से 8 दिसंबर 2015 प्रातः 9 से 11 बजे तक, साय 5 से 7 बजे तक। प्रवेश निःशुल्क। स्थान BTC ग्राउंड सेक्शन 30 उल्हासनगर 4। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्हासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बीबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात, कानपुर और उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद और हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सत चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नागलोई नजफगढ़ रोड, बकरवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041।